नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयन आचार्य आप सभी को आने वाला 1 नवंबर को दीपावली है, इस दीपावली वाले दिन में आपको कैसे महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन करना चाहिए। तो शास्त्र मानता है जो अच्छे लगन में पूजा करने की जरूरत है, जिससे आपका लग्न, आपके परिवार में जो सदस्य उसका लग्न, और जिस लग्न में आपका व्यापार उस लग्न को, सभी को एक साथ युति करके जोड़ करके, और फिर यदि आप महालक्ष्मी की पूजन उस लग्न में करते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त फल की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ देखा जाए, चौघड़िया 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक के बीच में जो 12 घंटा होता है, उस 12 घंटे में चौघड़िया का पूरा ज्ञान किया जाता, बनाया जाता है। और जब शाम को 7 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह होते सूर्योदय से पहले पहले महालक्ष्मी के दूसरा पार्ट चौघड़िया माना जाता है, जो एक दिन की चौघड़िया होता है, जिसमें जिस चौघड़िया में चारों तरफ से आपको अच्छा फल मिलने वाला, उसमें आपको पूजन करने की जरूरत होती है। जब किसी भी पूजन को आप बैठते हैं तो कौन सा परिस्थिति में आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो आप जब किसी पूजा को आप करते हैं तो उसमें चर लगने में हो सकता है, उसमें लाभ लगने में हो सकता है, अमृत काल में हो सकता है, काल में हो सकता है, शुभ में हो सकता है, रोग काल में, उद्देश्य काल में, चर काल में, ये जो जितने भी है, ये 8 प्रकार का जो गणनाएं हैं उस दिन सुबह से लेकर संध्या काल तक होता है, और अगले दिन संध्या काल से सुबह तक होता है। आपको विचार करना जरूरी है, जो आप लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो व्यापारिक परिस्थिति में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है, और सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक यदि गृह में पूजा की जाए तो वो सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि जो दिन का लक्ष्मी होती है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और रात की लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी की सूचक होती है। कहते दिन की लक्ष्मी की कैसे हम प्रार्थना करें, तो हरे वर्ण की जो वस्त्र धारण की हो, साथ में पीले रंग की उसके साथ युति हो, जुड़ा हुआ हो, ऐसे लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, और साथ में हम व्यापार में कामना करते हैं जो व्यापार लक्ष्मी कैसे हमें प्राप्त हो। इस तरह से जब रात्रि में पूजा करते हैं तो पीत वर्ण की वस्त्र धारण की ही महालक्ष्मी हो, और उनके हाथ में स्थिर लक्ष्मी की, उनके पास में सोने की कलश हो। और दिन में यदि हम पूजा करते हैं तो उनके हाथ में बही खाता हो, साथ में आपके पास द्रव्य हो, ऐसे महालक्ष्मी की पूजा करते हैं व्यापारिक परिस्थिति में। रात्रिक परिस्थिति में हम जो पीत वर्ण धारण किया हो, साथ में स्वर्ण कलश हो, और उसी में सारा सुख समृद्धि, उनके साथ गृह में स्थिर लक्ष्मी की सूचना पाई जाती है। अब आपको देखना है जो आप कैसे करते हैं। यदि आप सुबह से लेकर 12 बजे तक पैदा हुए हैं तो आपको चर स्थिति में पूजा करना चाहिए, और नहीं तो लाभ स्थिति में पूजा करना चाहिए। एक दूसरे का जुड़ा हुआ समय होता है, वो आप किसी आदमी से या किसी उसमें जाकर के आप देख करके आराम से आप कर सकते हैं। तो आपके लिए सर्वोपरि सुबह से लेकर 12 बजे तक यदि व्यापार में पूजा करते हैं तो आपका व्यापार लगातार बढ़ने की स्थिति में होती है। अब 12 बजे से 4 बजे शाम को 6 बजे तक करते हैं तब भी स्थिति वैसे ही होती है, कमोबेश कोई बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता। जब घर में पूजा करते हैं तो उसकी प्रधानता, आप लक्ष्मी की पूजा करें कैसे 2 पार्टों में, तो पहले जब दिन में पूजा करते हैं तो आप घृत का दीपक जलाइए जिसकी मात्रा ज्यादा हो, तेल का दीपक का मात्रा कम हो। जब रात्रि में आप जलाते हैं महालक्ष्मी पूजा करते हैं तो तेल का दीपक की मात्रा ज्यादा हो, घी की दीपक की मात्रा कम हो। इस तरह से पूजा में जब दीप जलाते हैं तो इस तरह से विचार करने की जरूरत है। आपको पंचोपचार षोडशोपचार गणपति की पूजा करना चाहिए, कुबेर का पूजा व्यापार कुबेर की पूजा करना चाहिए, लेखनी की पूजन करना चाहिए, साथ में रिद्धि सिद्धि की पूजा करना चाहिए, महालक्ष्मी की पूजन करना चाहिए, और अपने वहां पे जितने भी देवी देवता है जो स्थिर, एक होता है जो पूरे साल के लिए एक महालक्ष्मी व्यापार महालक्ष्मी को अनुबंध बुलाते हैं, उनको हम विधिवत पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करके अपने 1 साल के लिए हम उसको आमंत्रण करते हैं।
फिर नए साल में नए आमंत्रण के साथ, फिर नए योग के साथ हम काम करते हैं, तो उसमें करने की जरूरत है जो विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन करें। और जब पूजन करने की परिस्थिति हो तो मन में लक्ष्मी के लिए एक बहुत शुद्ध वातावरण हो। आप जब पूजा करने बैठे तो आपका वस्त्र का काला वस्त्र ना हो, बाकी किसी प्रकार का वस्त्र हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काला वस्त्र को आप प्रयोग नहीं करेंगे पूजा में, बाकी न काला आसन का प्रयोग करेंगे, न काला फल का प्रयोग करेंगे, न काले पुष्प का प्रयोग करेंगे, न काले वस्त्र का प्रयोग करेंगे। किसी प्रकार का काले का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। व्यापार में ज्यादा से ज्यादा हरा, पीले आसन, वस्त्र, पुष्प इत्यादि जितने भी वस्तु सबको साथ में लाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और घर में पीला लाल का ज्यादा प्रयोग करें, हरे का प्रयोग न करें। ऐसे यदि आप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हुए पूजा करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हुए पूजा करते हैं, आप कुछ नहीं आता है तो हाँ महालक्ष्मी नमः मंत्र बोल करके पूजा करते हैं, विधि विधान के जल से शुरू करते हैं और आखिर में सब कुछ चढ़ाते हुए आरती कर लेते हैं और विधि विधान से उनको क्षमा प्रार्थना करके, परिक्रमा करके माथा टेक लेते हैं, तो आपको सभी प्रकार का फल की प्राप्ति होती है। दीप दान का महत्व है, जो आपको द्वार पे दीप जरूर जलाना चाहिए, जहां पूजा करते वहां भी दीप जरूर जलाना चाहिए, ब्रह्म स्थान पे जरूर जलाना चाहिए, पिछले भाग में जरूर जलाना चाहिए। यदि आप अपने पितरों के लिए जलाते हैं दीपावली दान, दीपावली दिन, तो एक घी का एक तेल का उनके नाम के भी जलाना चाहिए। यदि अयम के लिए करते हैं तो ओनली सरसों तेल के दीपक जलाना चाहिए। यदि आप महालक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो घी या तिल तेल का प्रयोग करना चाहिए, उस वहां पर दीपक जलाना चाहिए, साथ में सरसों तेल का भी दीपक जलाना चाहिए। सभी दीपक में आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, घर हो या व्यापार हो, जब कमल के फूल में इत्र इत्यादि जब डाल देती हैं और उसमें चंदन भी लगा देती हैं और फिर श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ सुनते हुए आप महालक्ष्मी पर अर्पण करते हैं, और अर्पण करते हुए आप ये सोच के चलिए जो आपके जीवन में कमल फूल की तरह आपके घर में लक्ष्मी फैलती रहे, बढ़ती रहे और लगातार उसमें सुगंध आता रहे। इसके लिए आप यदि चंदन का लेपन करके, इत्र के डाल करके यदि लक्ष्मी को चढ़ाते हैं दीपावली वाले दिन में, महालक्ष्मी को चढ़ाते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि, हर वस्तु की बढ़ोतरी निश्चित माना गया है और धनदा महालक्ष्मी आपको, महालक्ष्मी हर घर में प्रवेश कर जाती है और आपके किए हुए पूजा पाठ का पूरा फल दे के जाती है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।